सदगुरु एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य संगीत और भी बहुत कुछ, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी जी आए और पूछने लगे, नाथ आपको क्या हो गया है? क्या बात है, आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं, हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हो, उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी जी बोले, हमें वेदों को बुलाना चाहिए। तो वेद आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ की। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया, क्या हुआ, कृष्ण को सिर दर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, यह क्या बात हुई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी रो रहे थे, हम यह कैसे कर सकते हैं, यह तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा, हम यह नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता, आप समय भगवान हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है, पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा, मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई, हर कोई सत्य में था, हम ये काम नहीं कर सकते, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची, गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा निस्वार्थ सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था।